हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है आपका एचडीआर बुक का, उसका ये आपका चौथा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम तीन पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं आपके चैनल पर, जिसमें पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 22 तक, दूसरे में 23 से लेकर आपका 40 तक, और तीसरे पार्ट में आपका 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके हम देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट टर्म से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको भागफल कितना दे रखा है? 9/7। तो दोस्तों मान लेते हैं ये 9 जो आपकी बड़ी संख्या है, ठीक, और जो 7 जो आपकी ये आपकी छोटी संख्या है। अब देखिए दोस्तों, पूछा क्या है इसमें, संख्याओं का योगफल पूछा आपसे। तो योगफल कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 9 + 7 कितना हो गया? 16। यानी कि जो दोस्तों जो आपकी संख्याओं का योगफल होगा वो आपका 16 के मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम ऑप्शन में जिस संख्या में आपका 16 से भाग जा रहा होगा पूरा, वही आपका आंसर होगा। देखिए, पहले में आपका नहीं जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, तीसरे में जा रहा है और चौथे में नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में आपका करेक्ट हो गया, यानी कि 80। अगर पूछता आपसे संख्या कौन सी है, तो आपकी संख्या क्या हो जाती है आपकी, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इधर नीचे ही 5 की। ठीक है, एक संख्या आपकी हो जाती है 45 और दूसरी हो जाती है आपकी 35। आप देखिए दोस्तों, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1575 निकल के आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं वो संख्या आपकी ए है, अगर ए में हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके 13 से, तो ये कितना बराबर होगा आपका, कि जो गुणनफल आएगा आपका 9 के मल्टीप्लाई में आएगा, सभी मतलब सभी अंक आपके 9 के होंगे, तो यानी कि 9 9 करके आपका ये होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपकी, अगर हम 9 9 9 9 9 और आगे आपका और भी 9 आएंगे आपके, इसको अगर हम 13 से भाग दे देते हैं पूरे को, तो आपका ए का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं आपका, कैसे देना है भाग विधि से, फिर हम इतना ही मान लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, हम पहली बार भाग देंगे 13 से, तो कितनी बार जाएगा? 13 7 91 आपका 7 बार जाएगा, बचा कितना आपका? 8 बचा, और आगे जो 9 है इसको हम उतार लेंगे इसे, तो 13 6 कितना होता है आपका? 78, यानी कितना बचा आपका? 11 बचा। अब देखिए दोस्तों, 7 6 आप किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले देखिए, यहाँ 7 7 है, यहाँ 7 8 है, यहाँ 7 5 है, यहाँ 7 6 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। आपको भी यहाँ से आगे चेक करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको बता दे रहा हूँ फिर भी, अब यहाँ से जो अगला 9 आपका इसको उतार देंगे, तो कितना होगा आपका? 119 हो गया, और 13 नंबर कितने होते हैं आपके? 117, कितना बचा आपका? 2 बचा, फिर आपका एक 9 नीचे उतार लेंगे तो 29 हो गया आपका, और 13 दूनी 26 होता है, अब बचा आपका 3। फिर दोस्तों नीचे आपका एक 9 उतार लेंगे इधर से, तो हो गया आपको 39, और 13 3 होता आपका 39, यानी कि 76,923 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों आपको यहाँ पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आपको 2 स्टेप पर निकालना था, उसके बाद ही आपका आंसर निकल के आ जाता, क्योंकि आपको जितना टाइम होना है, जितना टाइम कम लगे उतना आपके लिए अच्छा है एग्जाम में। अगला है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,700 के निकटतम हो, क्या होगी? तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। हम 58,701 में भाग देंगे आपका 567 से, तो कितनी बार जाएगा आपका? एक बार जाएगा, कितना हो गया? 567, तो घटा देंगे कितना बचा आपका? 0 2, यानी 20 बचा आपका। आगे हम इस 0 उतार लेंगे यहाँ से 200, अब भी देखिए दोस्तों कि आपको भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लेंगे इधर, तो अब उतारेंगे हम आपका 1, यानी 2001 हो गया आपका। तो देखिए 2000 है ये आपका 4 के 3 के आसपास में भाग जाएगा। ठीक है, 3 बार देते हैं भाग, देखिए आपका 7 21 की 1 कैरी 2, 6 3 18 और 2 20 की 0 कैरी 2, 5 3 15 2 17, यानी 1701 बार गया, तो 0 0 यहाँ पर कितना हो गया? 10 में 7 गया आपको 3, 1 में 11 पर 0, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका 300 बच रहा है आपका शेषफल।
तो वो संख्या आपको क्या हो जाएगी कि 567 में से आपका 300 माइनस कर देंगे, पहले माइनस के 300 कितना हो गया, 7 6 5 3 गया वो 2, यानी 267 बच गया आपका। तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो वो संख्या हो गया कि आपकी यानी कि अभिष्ट संख्या बराबर 267 को आपका 58701 में जोड़ देंगे, 58701 + 267 तो कितना हो गया आपका, 7 और 1 8, यहाँ पे आपका 6 आ गया, 7 2 9 और 8 और आपका 5, यानी 58968 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। और दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, यहाँ पे आपका 58968 दे रखा है, आंसर आपका 58968, ये आपका 55968, तो यानी कि आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा 58968। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपका 9375 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर आपका भागफल जो आता है वो आता है आपका 15, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या काम करना है आपको, इसका भागफल कितना दे रखा है आपका 15 दे रखा है, तो दोस्तों इसको हम 15/1 लिख सकते हैं, तो यानी कि 15 जो होगी आपकी बड़ी संख्या हो गई और आपका 1 जो होगी आपकी छोटी संख्या होगी, तो यानी कि इनका योगफल पूछा आपसे, तो योग कितना हो जाएगा आपका 15 + 1 = 16, यानी कि 16 के मल्टीप्लाई में इसका आपका योग आएगा। तो दोस्तों चार ऑप्शन में जिस संख्या में आपका 16 से भाग चला जाए वही आपका आंसर होगा, देखिए पहले में जा नहीं सकता है, लास्ट में 5 है आपका, इसमें भी नहीं जा सकता है, जो 380 में नहीं जाता, 16 में 32 60 इसमें नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 400 में भाग जाएगा आपका 16 से, कितनी बार, 16 दूनी 32 8 बचा 16 5 80, यानी 25 बार। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ संख्या निकालनी हो तो कैसे निकलेगी आपकी, तो 15 गुणा 25 कर देंगे तो वो आपकी 25 और प्लस कर देंगे आपका 1 गुणा 25, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से हम अगला क्वेश्चन कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 11520 और उनका भागफल दे रखा है 9/5, तो दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कैसे निकालेंगे, जो भागफल देखते हैं पहले क्या दे रखा है आपका बराबर 9/5। अगर दोस्तों आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो कम से कम आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करना, क्या पूछा आपका, अंतर पूछा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, ये मान लो बड़ी संख्या हो गई, नीचे वाली आपकी छोटी संख्या हो गई, तो 9 - 5 बराबर आपका होगा 4 का अंतर, तो यानी कि जिस संख्या में आपका 4 से भाग चला जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखो डी में जाएगा नहीं, सी में नहीं जाएगा, देखो इन दोनों में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, बी में चला जाएगा। अब दोस्तों को कैसे पता करना है कि आंसर आपका सही कौन सा होगा, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन ए उठाते हैं आपका कि 60 से भाग जाना 4 में, तो कितने में जाएगा 15 बार। ठीक है दोस्तों, तो आपकी संख्या 9 और 5 ना होकर इसके 15 गुना होंगी, यानी कि एक संख्या आपको जाएगी 9 गुना 15 और दूसरी आपकी हो जाएगी 5 गुना 15, ये दो आपकी संख्या हो गई। तो अब दोस्तों क्या करना है, इसको संख्या गुणनफल रखा होगा 11520, तो 15 नंबर कितने होते हैं आपका 135 और 15 * 75, यानी कि 135 में अगर हम 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 11520 आना चाहिए। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आखिरी जो अंक आएगा आपका वो 5 आएगा, आना चाहिए था वो 0, तो यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 64 4 से भाग देंगे 16 बढ़ जाएगा, तो यानी कि आपकी संख्या 9 और 5 ना होके इनकी 16 ग्रह होंगी, तो एक तो आपको हो जाएगी 9 गुना 16 ठीक, और दूसरी आपको हो जाएगी 5 गुना 16, तो 16 नंबर कितना होता है आपका 144 और 16 * 5 = 80, अगर 144 में 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11520। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों को केवल एक अंक निकालना था आपका कि 5 गुना 5 करते तो आपको एक अंक 5 आता, लेकिन आंसर चाहिए था आपका 0, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल आपका 3 आता है, तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है।
तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपके ऑप्शन से। पहले ऑप्शन से उठा के चलते हैं, दे रखा 16, क्या दिया होगा बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी 16 का 3 गुना कितना हो गया आपका, ये आपको हो जाएगा 16 × 3 = 48। अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाए, यानी इस संख्या से, मान ली संख्या आपकी x है, तो भागफल में शेष प्रत्येक 6 आता है, तो 6 तो आपका भागफल आएगा और 6 आपका शेष आएगा। तो देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ देखते हैं, अगर आपका 6 शेष बच रहा है तो संख्या कितनी बचेगी आपकी, 48 - 6 यानी कि 42। अब दोस्तों ऐसी संख्या सोचिए जो 42 से जिसमें भाग देंगे हम, तो उसमें 6 भाग भाग अपना पूरा पड़ जाए, यानी 6 से भाग देते हैं इसमें आपका, तो वो आपकी संख्या आ जाएगी 7 निकल के। यानी दोस्तों x का मान आपका आ गया 7, यानी बड़ी संख्या आपकी 16 आ गई, छोटी आपकी 7 आ गई। अगर ये आपका सही है तो दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। दूसरी कंडीशन क्या आपका, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, यानी 7 × 5 = 7 × 5 यानी कि 35 को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है 16 से, तो देखिए कितना आएगा आपका, 16 × 32 आपका भागफल कितने बार आया आपका 2, और शेष कितना बच गया आपका 3। और ये दोस्तों आपको दे रखा है कि भागफल 2 बच चाहिए, शेष 3 बच चाहिए, यानी कि जो आपका आंसर है ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बड़ी संख्या आपकी 16 हो जाएगी, छोटी आपकी 7 हो जाएगी। अगला आपका, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी, निम्नलिखित में से किससे होगी, 11 13 101 1001। तो दोस्तों आपको एक प्रोसेस याद रखना, आपको क्या होता है, एक नियम होता है आपका कि अगर इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, कोई आपकी n अंकों की संख्या संख्या है, ठीक है, और उसमें आपका n/2 डिजिट जो है आपकी रिपीट हो रही है, हो रही हैं, तो वो हमेशा आपकी n/2+1, ठीक है, डिजिट के जो आपका छोटा, सबसे छोटा जो होगा आपका, छोटा यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमेशा विभाजित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोई संख्या दे रखी है आपके n अंकों की, जैसे कि आपको मान लो ये दे रखा 37 37, या मान लेते हैं आपकी संख्या दे रखी है 4 अंकों की, ठीक है, इसमें आपके 2 अंक रिपीट हो रहे हैं n/2, यानी कि ए बी हो रहा है आपका, फिर ए बी आ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आ रहा है आपका, तो उस कंडीशन में जो आपका आंसर क्या होगा कि वो संख्या आपको किस संख्या से विभाज्य होगी, देखिए जितने आपके अंक हैं 4 अंक हैं आपके, ठीक है दोस्तों, या कह सकते हैं 2 अंक आप रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें 1 जोड़ देंगे यानी 3 अंक, यानी जो आपके 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। यानी कि आप संख्या देखिए 37 37, यानी 4 अंकों की, तो दोस्तों ये संख्या आपके 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या जो आपकी वो होती है आपकी 101, ठीक है, तो यानी कि हमेशा आपके 101 से विभाजित होगी। अगर यहाँ 4 अंक देख दिया होता, आपको 6 अंक दे रखा होता, जैसे ए बी सी दे रखा होता, ठीक है, 6 अंक दे रखा है जिसमें आपके 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, ए बी सी आपका आ रहा है, फिर जैसी संख्या मान लेते हैं आपकी कौन सी 1 2 3 और आगे आपकी 1 2 3, अगर आपकी कंडीशन इस तरह से होती तो उसमें क्या आंसर होता आपका, यानी कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है आपको, 3 3 की, ठीक है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, और 3+1 करेंगे इसमें यानी 4, यानी जो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो उसका आपका हमेशा विभाजित होगी उससे, तो इसका आंसर तो आपको 101 हो गया। इससे अगर आप देख लेते हैं आपका कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 62 56 और 67 86 78 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी 6 अंक संख्या है, 6/2 करेंगे, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं आपके, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, और 3+1 करेंगे आपका यानी 4, तो 4 अंकों की जो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी
उससे ही आपकी हमेशा विभाजित होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या उपचारकों की, वो है आपकी 1001। तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला आपका कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 6075 है, तो आपकी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों भागफल क्या आ रहा है आपका 3, और इसकी संख्या में 1 मान लेंगे, यानी 3/1 हो गया। तो यहाँ से आपकी बड़ी संख्या होगी 3 और छोटी संख्या आपकी होगी 1। दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपकी बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन उठाते हैं आपका। जैसे पहला ऑप्शन उठाया हमने कि 15, तो आपकी छोटी संख्या हो गई, इसका 3 गुना कितना हो गया 15 से 45। अगर दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6075 आना चाहिए। देख करिए कितना आएगा, तो देखिए दोस्तों 45 से 15 आपका, तो ये आपका जो अंतर आएगा वो 700 से भी कम आएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ 15 माना आपने, अगर हम 45 या 50 मान लेते हैं तो अभी आपका 750 आया, तो यानी कि आपका आंसर नहीं होगा, और यहाँ से हमको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन दो दूसरा देखते हैं आपका कि 35 गुणा कितना करेंगे, 35 से 3 गुणा 105, तो यानी कि आपका 35-3600 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि इनका गुणनफल चाहिए आप 6075 आना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं आपका, 45 गुणा 45 से कितना होता है आपका 135। अब दूसरे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपका, 45 पंजे कितना हो गया 225 की 5, कैरी बचा 22, 45 दिया 135 और 22, 55 157 हो गया 7, कैरी बचा आपका 15, और 45 से 45 और 15 कितना हो गया आपका 60, यानी कि 60-75 ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया आपका। ऑप्शन डी कैसे गलत होगा, देखिए 25 में मल्टीप्लाई करेंगे आपकी 75 की, यानी ये आपकी छोटी संख्या हो गई, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। तो देखिए तो 2575 मल्टीप्लाई ये आपका आएगा 1875। ठीक है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों आपको एग्जाम में पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं आइडिया, जैसे कि 45 50 मान लिया तो गुणा करके 15 की, तो अब 6075 तो आएगा नहीं, इस तरह से अंदाज लगा सकते हैं। अगला आपका, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 1 आता है, फिर भी यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, 3, 4, 5 और आपका 2। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इधर लिखेंगे हम भाजक, आपके यहाँ लिखेंगे आपकी संख्या बीच में, इधर लिखेंगे आपका शेषफल। तो यहाँ से हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ दे रहा किस संख्या 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, यानी 3 से भाग दिया हमने तो कितना आया आपका 1 शेषफल आया। अब दे रखा है कि 2 से भाग दिया तो शेषफल 1 आया आपका, तो यहाँ 2 यहाँ पर आपका 1 हो गया। अब दोस्तों इस कंडीशन हम क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पर जो आपका हमेशा 1 मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 गुणा 1 करेंगे, तो 2 गुणा 1 और जो 1 ये है आपका शेषफल, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर आपका ऐड, तो प्लस 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब इस 3 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 3 में 3 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 3 और इस 1 को आपका ऐड कर देंगे, तो प्लस 1 कितना हो गया 10। तो ये वो संख्या निकल के आपकी 10 आ गई। तो अब क्या करेंगे हम कि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यानी कि हम 10 को भाग देंगे 6 से, तो एक बार गया 6 एकम 6, कितना बचा आपका शेषफल 4 आपका शेषफल बच गया, और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा आपका। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था ऐसे हम करेंगे, इसमें टेबल बना लेंगे, इधर लिखेंगे आपके भाजक और बीच में आप जो आपकी संख्या आएगी वो आएगी, इधर आपको जाएगा शेषफल। तो हम भाग देंगे, हम क्या करेंगे टेबल बनाएंगे पहले आपकी एक, उसमें क्या रखा संख्या को क्रम से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, यानी एक बार 4 से देंगे एक बार आपका 5 से देंगे, तो आपका शेषफल कितना बचता है क्रम से 1 और 4, यहाँ आपका 1 बचेगा यहाँ आपका 4 बचेगा। तो दोस्तों ये तो सब आपका दिया हुआ है अभी, अब इसमें आगे क्या करेंगे हम, यहाँ मान लेंगे अभी तरफ से 1 मान लेंगे, तो 5 में करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5 और प्लस जो आपको 4 है उसको ऐड कर देंगे, 5 4 9 हो गया आपका। अब क्या करेंगे 9 में करेंगे 4 की मल्टीप्लाई,
तो 936 और इसमें एक जोड़ देंगे आपका, यानी कि 37। यानी दोस्तों वो संख्या आपकी 37 आ गई। अब 37 में भाग देंगे हम 5 और 4 का, पहले देंगे हम इसे 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा, 7 बार 35। और शेष में कितना बचा आपका, तो देखिए दोस्तों जो आपका शेष बचेगा उसको हम इधर लिखेंगे और जो भागफल होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप देंगे इसमें 4 से, तो कितनी बार जाएगा आपका 4 एकम 4, 1 बार जाएगा, कितना बचा शेष पर 3 बचा आपका। तो दोस्तों ये 2 3 आपके आंसर आ गए क्रम से, तो आपका शेष पर जो आएगा वो आएगा आपका आएगा 2,3, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको 3,2 में नहीं करना, उसमें 2,3 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रम से 1, 1 तथा 6 शेष बचता है, संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे पहले वाला, इधर आपका भाजक हो गया, इधर आपकी संख्या हो गई, इधर आपका शेष फल हो गया। यहाँ बनाएंगे टेबल आपकी, देख पहले आपका 2 से दे रहा है भाग, फिर आपका 3 से दे रहा है और फिर आपका 7 से दे रहा है। तो दोस्तों आपका शेष कितना बच रहा है, क्रम से 1 यहाँ बच रहा है 1 यहाँ बच रहा है 1 आपका यहाँ पे 6 बच रहा है। तो पहले स्टेप में क्या करना है हमको, यहाँ पे अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, तो 7 में करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो 7 एकम 7 और प्लस कर देंगे 6, तो 7 6 13 हो गया आपका, ये आपको पहला स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, 13 में करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, तो 13 39 और प्लस 1 करेंगे उसमें, यानी कि 40। उसके बाद क्या करेंगे हम, 40 गुणा 2 यानी कि 80 और इसमें आपका 1 ऐड कर देंगे, ये वाला है शेषफल, कितना हो गया आपका 81, यानी संख्या आपके आगे 81। अब 81 में क्या करेंगे, भाग देंगे आपके 42 से, तो कितनी बार जाएगा 42 एकम 42 और शेष कितना बच गया आपका 39 बच गया, और यही दोस्तों 39 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष आपका 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा आपका। तो देखिए दोस्तों जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में आपका चेक करेंगे 56 में 8 से भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो ये आपका 7 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर ये भाग पूरा जा रहा है तो आपका शेषफल कितना होगा, तो जो आपका शेषफल आएगा वो हो जाएगा आपका शेषफल बराबर शेषफल कितना आपका 29 और बटे आपका द्वितीय भाजक कितना है आपका 8 से भाग देंगे, तो कितनी बार गया 8 से 24, 3 बार गया आपका, कितना बचा आपका 5, यही जो 5 जो बचा आपका शेषफल यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रम से 2, 1 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, भाजक लिखेंगे आपका, इधर लिखेंगे आपका संख्या और यहाँ लिखेंगे आपका शेषफल। तो यहाँ एक टेबल बनाएंगे पहले आपकी, क्या दे रहा, 4 से भाग देता है एक बार आपका 7 से, दोस्तों 4 से भाग देता तो आपका शेष बचता 2, 7 से देता तो आपका शेष बचता 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम तरफ से 1 मान लेंगे, तो 7 में करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो 7 एकम 7 और प्लस का आपका 1 ऐड कर देंगे उसमें, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब करेंगे हम 8 में 4 की मल्टीप्लाई, तो 8 से 32 और 2 आपका ऐड कर देंगे, यानी कि 34, तो आपका 34 आ गया। अब दोस्तों हम 34 में भाग देंगे 28 से, तो 28 एकम 28 एक बार गया आपका और 6 बच गया आपका शेषफल, और यही 6 जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया आपका। अगला आपका कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी, यानी 11+13 से विभाज्य होगी, 13-11 से होगी, 11+13 से विभाज्य होगी या 429 से विभाज्य होगी। दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान लेते हैं वो संख्या कोई सोच लेते हैं 11 और 13 से विभाज्य हो, तो 11+13 कर देते हैं, कितना आएगा आपका 143। अब देखिए इसमें भाग देंगे 11+13 से यानी 24 से, तो भाग नहीं जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखो भाग देंगे आपको 143 में, 13-11 कितना होगा 2 से, तो 2 से ही भाग नहीं जा रहा इसमें आपका, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया होगा आपका। देखिए चौथा ऑप्शन है 429 से विभाज्य, तो संख्या आपकी 143 है, तो 429 से भाग हो नहीं सकता इसमें, तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 143 में आपका 11+13 से भाग चला जाएगा, 11 जाएगा 13 बार, 13 जाएगा आपका 1 बार, इस तरह से ऑप्शन सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? तो आपके ऑप्शन है 3, 6, 7 और आपका 8। तो इसमें क्या करेंगे हम, तरह से मान लेते हैं कोई संख्या विषम पूर्णांक, यानी एक तो मान लिया हमने 3 मान लिया, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 मान लिया हमने 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 1। इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका 9 - 1 = 8, 8 आएगा। और मान लेते हैं हम 1, 2, जैसे हमने 5 मान लिया, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर कितना हो गया 25 - 9 = कितना हो गया 16। एक और देखते हैं हम कितना, कि 1 मान लेते हैं हम 7 विषम पूर्णांक, 1 मान लेते हैं 5, तो 7² - 5² कितना हो गया 49 - 25 कितना हो गया दोस्तों आपका 24 आ गया। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ दिखाई दे रही होगी आपकी, 8, 16, 24 तीनों आपके 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 39, 57 में 53, 49 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 70, 62 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? तो पहले हम क्या करेंगे, 39, 57 में आपका 53, 49 जोड़ देते हैं, कितना हो गया आपका 9, 7, 16, 6, 1 कैरी, 5, 4, 9, 10, 0, 1 कैरी, 9, 3, 12, 13, 1 कैरी बचा, 5, 3, 8, 9, यानी कि आ गया 9,306। इसमें से आपका 70, 62 माइनस कर देंगे, यानी 7,062। देखिए 6 में 2 का कितना बचा आपका 4 बचा, यहाँ पे कैरी ले लेंगे आपका 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया आपका 4, यहाँ 2 बचा, 2 में 0 गया आपका 2, 9 में 7 गया आपका 2, यानी कि 22, 44 इसमें से किससे विभाजित नहीं होगी आपकी? तो देखिए दोस्तों 4 से विभाजित होगी, क्यों होगी, कि इसके आखिरी अंक का जो है आपका आखिरी 2 अंक जो है इसके 4 से विभाजित हैं, तो इसलिए आपकी 4 से विभाजित होगी। और 3 से भी होगी, क्यों होगी, देखो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, यानी इसके सभी अंकों का योग आपका 12 आ रहा है, जो कि आपका 3 से विभाजित है। तो ऑप्शन ए और बी तो इसका आंसर नहीं होगा, बचता आपका सी और डी। देखो डी आपका 11 से विभाजित होगी, क्यों होगी, उसमें क्या बोलता है आपका सम अंक से इसके आपके सम अंक और जो विषम अंक जो आपके उन सभी का योग आपका या तो 0 हो या आपका 11 से विभाजित हो। तो देखते हैं कि विषम वाला 4, 2, 6 हो गया आपका, और सम वाला क्या है 4, 2, 6, ये 6 हो गया, तो 6 - 6 यानी कि इनका अंतर जो आपका 0 आ रहा है, तो 11 से होगी, यानी कि संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 7 - 3 = 14, 7 - 7 = 14 और 4 आपका शेष हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m n एक सम संख्या हो, तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा? तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं संख्या ऐसी कोई, जैसे हम m = 3 मान लेते हैं, ठीक है, और n = 1 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो आपका m - n कितना आएगा, 3 - 1 = 2 आ रहा है, 2 यानी कि एक सम संख्या आ रही है। तो हमसे पूछा कि m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा, तो m इसको कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 - 1 = आपका 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब एक संख्या और मान लेते हैं हम, जैसे हमने मान लिया m = 4 मान लिया और n = 2 मान लिया, अब करेंगे देखिए m - n करेंगे कितना आएगा, 4 - 2 यानी कि 2 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करना हमको, m² - n² चेक करेंगे हम, तो 4 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर यानी 16 - 4 यानी कि आपका आ गया 12। तो देखिए दोस्तों ये आपकी 4 से विभाजित, आपकी 8 भी 4 से विभाजित हो रही है, आपकी 12 भी 4 से विभाजित हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका, यदि 7, 3, 8, 6, 11 से विभाज्य है, तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको क्या बताया था आपको रूल क्या है 11 से विभाजित होने का, कि अगर किसी संख्या के मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस साइड से राइट साइड से, कि विषम अंकों का योग और आपके सम अंकों का योग इनका आपका अंतर, ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से आपका छोटा माइनस कर देंगे, या तो आपका 0 आना चाहिए या आपका 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं, पहले देखते हैं विषम वाले, तो विषम अंक कौन कौन से आ रहे हैं आपके, एक तो आपका ए आ रहा है ये वाला, एक आपका ये ए आ रहा है, एक आपका 3 आ रहा है, यानी कि a + 3, तो आपका कितना हो गया 2a + 3 हो गया। आप देखते हैं हम सम अंक, तो ये कौन से आपके आ रहे हैं, एक 6 आ रहा है, एक आपका 8 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, 6, 8 और आपका 7,
कितना हो गया, 8 7 15 6 आपका 21 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम दोनों को बराबर कर देंगे, यानी 2a+3 बराबर आपका 21, यानी कि इधर में a का ऐसा कुछ मान रखो जो आपका 21 आ जाए। तो क्या जाएगा आपका कि 9 रखने आपका, तो 2 9 18 + 3 आपका 21 आ गया, यानी कि संख्या आपकी 9 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपका a की जगह पर आपका 9 होता तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाती। अगला आपका कि 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो सेम काम हम करना जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। सम अंक देखते हैं पहले, आपका कौन कौन से हो गया, आपके 4 हो गया, स्टार हो गया 4 प्लस आपका स्टार, यानी कि इसको एक्स मान लेते हैं, प्लस के कितना हो गया आपका 5 हो गया, यानी कि 9 प्लस के आपका एक्स हो गया। अब देखते हैं हम विषम अंक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 9 और आपका 5, 2 9 2 हो गया आपका, 9 हो गया और आपका 6 हो गया। ठीक है, और इधर आपका 1 हो जाएगा, 6 + 1 यानी 9 तो 11, 6 17 और 1 आपका 18 आ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, 9 + x = 18 को बराबर रख देंगे दोनों तरफ। ठीक है, बराबर रख दो या ऐसा मान देखो जो आपका वो आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपका x की जगह पे 9 रखेंगे तो आपका 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया।